उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे: हिरास की अवधारणा को समझने में, हिरास से संबंधित विभिन्न शब्दों के बारे में जानने में, हिरास लगाने के पीछे कारणों को समझने में, हिरास की जरूरत समझने में, हिरास की गणना करने की पद्धतियों को जानने में, मूल्य हिरास की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को जानने में, सीधी रेखा और क्रमगत विधियों के बीच तुलना करने में, हिरास अभिलेखन की विभिन्न विधियों को जानने में, परिसंपत्तियों के निपटान की अवधारणा को समझ सकने में, प्रावधान और संचय का अर्थ समझ सकने में, संचय के प्रकारों के बारे में जानने में, गुप्त संचय की अवधारणा को समझ सकने में। हिरास मिलान व्यय। जैसा कि हम जानते हैं कि लेखांकन का मिलान सिद्धांत कहलाता है कि लेखांकन अवधि में जो भी व्यय किए जाते हैं उन्हें उसी वर्ष समायोजित किया जाना चाहिए ताकि सही लाभ और हानि और व्यवसाय की वित्तीय स्थिति प्रकट हो सके। ह्रास यदि कुछ ऐसे व्यय किए जाते हैं जिनके लाभ कई वर्षों में कंपनी को प्राप्त होते हैं तो उन व्ययों की राशि केवल उस लेखांकन अवधि में व्यय प्रभारित करने के बजाय उन वर्षों में फैला देनी चाहिए जब वे व्यय किए गए थे। ह्रास इस प्रकार के व्ययों में से एक है। आइए विस्तार से ह्रास के बारे में चर्चा करें। ह्रास क्या है? ह्रास को उपयोग, समय, क्षय और घिसावट आदि के कारण समय बीतने के साथ परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यवसाय एक मशीन क्रय करता है और उसका व्यवसाय में उत्पादन प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जा रहा है। उस मशीन का मूल्य उपयोग के साथ कम होता जाता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। एक मशीन 1 अप्रैल 2006 को 1,50,000 रुपए में खरीदी गई। मशीन का उपयोगी जीवन काल 5 साल होने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि 31 मार्च 2011 तक अगले 5 वर्षों तक व्यवसाय में मशीन का उपयोग किया जा सकता है। वर्ष 2006 में 1,50,000 किया गया पूंजीगत व्यय है, लेकिन इस पूरी राशि को चालू लेखांकन अवधि में आगम के रूप में प्रभारित नहीं किया जा सकता है। इसके बजाय इसका 1/5 अर्थात 30,000 रुपये वर्ष 2006 के लिए आगम पर प्रभारित किया जाएगा। ह्रास का अर्थ और विशेषताएं। ह्रास का अर्थ: ह्रास को हम स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य में स्थायी, सतत एवं धीरे धीरे हो रही घटोत्तरी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिस पर उसे क्रय किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लंदन ने ह्रास शब्द को परिसंपत्ति के वास्तविक मूल्य में इसके उपयोग एवं अथवा समय बीतने के कारण आई घटोत्तरी बताया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार ह्रास अवक्षयण योग्य परिसंपत्ति में घिसावट, उपभोग अथवा कीमत में कोई अन्य कमी जो उपयोग, समय के व्यतीत होने अथवा तकनीक एवं बाजार में परिवर्तन के कारण अप्रचलित होने से हुई है का मापन है। महत्वपूर्ण बातें जिनका हमें परिसंपत्तियों की अवक्षयण योग्य राशि की गणना करते समय ध्यान रखना चाहिए। अवक्षयण योग्य परिसंपत्तियों का एक से अधिक लेखांकन अवधि में उपयोग होना चाहिए। एक निश्चित सीमा तक
उपयोगी जीवन होना चाहिए। व्यवसाय द्वारा न कि विक्रय के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। परिसंपत्ति का अपेक्षित जीवन काल। अवक्षयण योग्य परिसंपत्तियों के उदाहरण हैं मशीनें, भवन, संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर, परिवहन के लिए ट्रक इत्यादि। हिरास की विशेषताएं। ये स्थायी परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य में कमी है। इसमें उपयोग, समय या अप्रचलन के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी शामिल है। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये बीती हुई लागत है, इसलिए इसे लाभ से घटाया जाना चाहिए। इसे गैर रोकड़ व्यय माना जाता है। ह्रास में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द। ह्रास के संबंध में उपयोग किए जाने वाले कुछ अन्य शब्द भी हैं। रिक्तीकरण। रिक्तीकरण का अर्थ है पेट्रोल, लकड़ी इत्यादि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में कमी। रिक्तीकरण और ह्रास के बीच का अंतर ये है कि रिक्तीकरण प्राकृतिक संसाधनों में कमी है, जबकि ह्रास उपयोग के कारण परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी है। परिशोधन। परिशोधन का अर्थ समय की एक अवधि के दौरान अमूर्त परिसंपत्ति की लागत आवंटित करना है। ये पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी आदि जैसी अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य में नियमित कमी है। ह्रास के कारण। कई कारण हैं जिनके कारण हम ह्रास लगाते हैं। उपयोग, समय के कारण क्षय और घिसावट। क्षय और घिसावट का अर्थ है कि जब व्यवसायी की स्थायी परिसंपत्ति का उपयोग आगम अर्जन के लिए किया जाता है और उपयोग के साथ परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी आती है और परिसंपत्तियों का आगे परिचालन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक और स्थिति ये है कि जब समय के साथ परिसंपत्ति बारिश और मौसम आदि की वजह से खराब होने लगती है। कानूनी अधिकारों की समाप्ति। कई परिसंपत्तियां अपने उपयोग के अधिकारों की समाप्ति के कारण अपना मूल्य खो देती हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट इत्यादि। अप्रचलन। कभी कभी बाजार में परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता की उपलब्धता के कारण परिसंपत्तियां अप्रचलित हो जाती हैं। इसका कारण प्रौद्योगिकी में बदलाव, मांग में बदलाव, उत्पादन की उन्नत विधियां आदि हो सकती हैं। अन्य कारक। कभी कभी आग, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण परिसंपत्तियां कम उपयोगी हो जाती हैं। ह्रास की आवश्यकता। ऐसे कई कारण हैं जिनके कारण हमें ह्रास की गणना करने की आवश्यकता होती है। लागत और आगम का मिलान। स्थायी परिसंपत्तियों का उपयोग आगम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्षय एवं घिसावट के कारण हर परिसंपत्ति का मूल्य कम होता जाता है। इसलिए ह्रास व्यवसाय में किसी भी अन्य व्यय की तरह लागत है और वास्तविक शुद्ध लाभ की गणना करने के लिए लगाया जाना चाहिए। कर का विचार। ह्रास से करों की राशि कम होती है, जिसका कंपनी या व्यवसाय कर कटौती के माध्यम से भुगतान करता है। सही और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति। ह्रास व्यवसाय की वास्तविक और निष्पक्ष वित्तीय स्थिति प्रकट करने में सहायता करता है, क्योंकि यदि ह्रास की कटौती नहीं की जाती है तो संपत्ति का मूल्य
बढ़ जाता है। कानून का अनुपालन। व्यवसाय या कंपनियां स्थायी परिसंपत्तियों से हिरास की कटौती करने के लिए कानूनों का पालन करती हैं। हिरास की राशि को प्रभावित करने वाले कारक। परिसंपत्तियों की लागत। परिसंपत्ति की लागत का अर्थ परिसंपत्ति की वास्तविक लागत है। वो परिसंपत्ति व्यवसाय में लाने के लिए किए गए सभी व्ययों, जैसे माल ढुलाई व्यय, परिवहन व्यय, पंजीकरण, संस्थापन लागत, पुरानी मशीनों के मामले में मरम्मत की लागत जैसी लागतों को शामिल किया जाना चाहिए। अनुमानित शुद्ध अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य वो अपेक्षित मूल्य है जिसे व्यवसाय परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन के अंत में उसे बेचने या विनिमय करने पर प्राप्त कर सकता है। इस राशि की परिसंपत्ति की निपटान के लिए किए गए खर्चों का कटौती करने के बाद गणना की जाती है। अवक्षयण योग्य लागत। परिसंपत्तियों की अवक्षयण योग्य लागत अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद इसकी लागत है। इसे परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर ह्रास व्यय के रूप में लगाया जाता है। किसी परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन काल। ये परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल है जिसमें परिसंपत्ति का उपयोग उत्पादन में किया जाता है। मशीन के उपयोगी जीवन का आकलन विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उपयोग का स्तर, रखरखाव, तकनीकी परिवर्तन, बाजार में परिवर्तन आदि। ह्रास की गणना की पद्धतियां। ह्रास की गणना करने की दो पद्धतियां हैं, आइए इन पर चर्चा करें। हमें ह्रास की गणना के लिए पद्धति चुनने से पहले कुछ चीजें पता होनी चाहिए। परिसंपत्ति का प्रकार, परिसंपत्ति के उपयोग की प्रकृति, किन परिस्थितियों में परिसंपत्ति का उपयोग किया जाएगा। सीधी रेखा पद्धति। सीधी रेखा, जैसा कि नाम का तात्पर्य है, मानती है कि परिसंपत्ति का उसके पूर्ण उपयोगी जीवन काल में समान रूप से किया जा रहा है। इस पद्धति के अनुसार व्यवसाय में परिसंपत्ति का उपयोग होने तक प्रत्येक लेखांकन वर्ष में बराबर राशि ह्रास के रूप में भारित की जाती है। इस पद्धति को मूल लागत पद्धति पर निश्चित प्रतिशत के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि अवक्षयण योग्य लागत का एक ही प्रतिशत वर्ष दर वर्ष ह्रास के रूप में समाप्त किया जा रहा है। इस पद्धति के अंतर्गत ह्रास की गणना करने का फॉर्मूला है। ह्रास की दर की गणना करने का फॉर्मूला है। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि परिसंपत्ति की मूल लागत 2,00,000 रुपए है और अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है। अवशिष्ट मूल्य 30,000 होने का अनुमान है। ह्रास की गणना इस प्रकार की जाएगी। ह्रास की दर होगी 0.5। सीधी रेखा विधि के लाभ और सीमाएं। सीधी रेखा विधि के लाभ। सरल और समझने में आसान। इस विधि में लाभ और हानि की गणना आसान है, क्योंकि ह्रास की समान राशि प्रभारित की जाती है। ये विधि उन परिसंपत्तियों के लिए अधिक उपयोगी है जिनके अनुमानित जीवन काल की आसानी से गणना की जा सकती है। इस विधि में अवक्षयण योग्य पूरी लागत परिसंपत्ति के पूरे उपयोगी जीवन काल में वितरित की जाती है। सीधी रेखा विधि की सीमाएं। इस विधि में कुछ कमियां भी हैं। ये विधि मानती है कि परिसंपत्ति का उपयोग
प्रत्येक लेखांकन वर्ष में समान है, जो गलत है, क्योंकि समय के साथ परिसंपत्ति कम उत्पादक हो जाती है और अधिक मरम्मत और रखरखाव खर्च की मांग करती है। इसलिए प्रतिवर्ष ह्रास की समान राशि प्रभारित करने की सलाह नहीं दी जाती है। क्रमागत विधि। इस विधि को रिड्यूसिंग बैलेंस के रूप में भी जाना जाता है। हम सभी जानते हैं कि ह्रास की लागत के कारण प्रतिवर्ष परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य में कमी आती है। इसलिए इस विधि में ह्रास की गणना परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य पर की जाती है। उदाहरण के लिए, परिसंपत्ति की लागत 2,00,000 रुपये है और लगाया गया ह्रास क्रमगत विधि में 10% प्रतिवर्ष है, इसलिए मूल्य ह्रास की राशि की गणना इस प्रकार की जाएगी। क्रमगत पद्धति के लाभ और सीमाएं। क्रमगत पद्धति के लाभ। इस पद्धति के निम्नलिखित लाभ हैं। ये पद्धति इस व्यवहारिक धारणा पर आधारित है कि समय के व्यतीत होने के साथ परिसंपत्ति से प्राप्त लाभ कम होते जाते हैं। इसलिए इस पद्धति में प्रारंभिक वर्षों में जब परिसंपत्ति की उपयोगिता अधिक होती है, तब अधिक ह्रास लगाया जाता है। यह ह्रास एवं मरम्मत व्यय के लाभ हानि खाते पर बराबर भार डालता है, जिन्हें प्रतिवर्ष एक साथ लिया जाता है। ये आयकर अधिनियम द्वारा भी स्वीकार्य है। क्योंकि प्रारंभ के वर्षों में लागत का बड़ा भाग समाप्त कर दिया जाता है, अतः अप्रचलन के कारण हानि कम हो जाती है। स्थायी परिसंपत्तियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्रमगत पद्धति की सीमाएं। इस पद्धति की निम्नलिखित सीमाएं हैं। जैसा कि इस पद्धति में है, ह्रास की गणना परिसंपत्तियों के अपलिखित मूल्य के निश्चित प्रतिशत पर की जाती है, इसलिए ह्रास की लागत को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। ह्रास की उपयुक्त दर की गणना करना मुश्किल होता है। सीधी रेखा एवं क्रमगत ह्रास विधि का तुलनात्मक विश्लेषण। आइए हम सीधी रेखा एवं क्रमगत ह्रास विधि के बीच अंतर के बिंदुओं पर चर्चा करें। ह्रास लगाने के आधार। सीधी रेखा विधि में ह्रास मूल लागत पर लगाया जाता है, जबकि क्रमगत विधि में ह्रास परिसंपत्तियों के शुद्ध पुस्तक मूल्य पर लगाया जाता है। ह्रास का वार्षिक प्रभार। क्रमगत ह्रास विधि में प्रारंभिक वर्षों में ह्रास की मात्रा अधिक होती है, जबकि सीधी रेखा विधि में ह्रास की मात्रा निश्चित बनी रहती है। ह्रास पद्धतियों का तुलनात्मक विश्लेषण। लाभ और हानि खाते के विरुद्ध कुल भार। ह्रास और मरम्मत लागत के संबंध में लाभ और हानि खाते के विरुद्ध कुल भार सीधी रेखा पद्धति में अवरोक्त को बढ़ा देता है, जबकि क्रमगत पद्धति में ह्रास भाग बाद के वर्षों में कम हो जाता है। आयकर कानून द्वारा मान्यता। आयकर कानून सीधी रेखा पद्धति को स्वीकार नहीं करता है, जबकि आयकर कानून द्वारा क्रमगत पद्धति को स्वीकार किया जाता है। उपयुक्तता। सीधी रेखा पद्धति ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जैसी परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें मरम्मत व्यय कम होते हैं, जबकि तकनीकी परिवर्तनों से प्रभावित होने वाली परिसंपत्तियों के लिए क्रमगत पद्धति उपयुक्त होती है। ह्रास अभिलेखन की विधियां। ह्रास लेन देन का अभिलेखन करने की 2 प्रकार की विधियां हैं। परिसंपत्ति खाते पर ह्रास लगाना। इसमें ह्रास की राशि परिसंपत्तियों की ह्रासमान लागत से कटौती की जाती है और लाभ और हानि खाते पर भारित की जाती है। रोजनामचा में प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी।
परिसंपत्तियों के क्रय के लिए प्रविष्टि। परिसंपत्ति खाता, नाम, विक्रेता या बैंक खाते से। परिसंपत्तियों की लागत से ह्रास की कटौती करने के लिए प्रविष्टि। ह्रास खाता, नाम, परिसंपत्ति खाते से। लाभ और हानि खाते पर ह्रास लगाने के लिए प्रविष्टि। लाभ और हानि खाता, नाम, ह्रास खाते से। ह्रास खाते के लिए प्रावधान बनाना। इस विधि में ह्रास समायोजित करने के लिए ह्रास प्रावधान खाता नामक एक अलग खाता बनाया जाता है। रोजनामचा खाते में होने वाली प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी। परिसंपत्तियों के क्रय के अभिलेखन के लिए केवल उसी वर्ष में जब परिसंपत्तियां क्रय की जाती हैं। परिसंपत्ति खाता, नाम, विक्रेता या बैंक खाते से। ह्रास खाते के लिए प्रावधान के लिए ह्रास राशि जमा करने के लिए। ह्रास खाता, नाम, ह्रास खाते के लिए प्रावधान के लिए। लाभ और हानि खाते पर ह्रास लगाने के लिए लाभ और हानि खाता, नाम, ह्रास खाते से। तुलन पत्र में स्थायी परिसंपत्तियां अपनी मूल लागत पर दिखाई देंगी और ह्रास के लिए प्रावधान परिसंपत्तियों की लागत से कटौती करके देयता पक्ष के अधीन दिखाई देंगे। परिसंपत्तियों का निपटान। परिसंपत्तियों के निपटान का अर्थ परिसंपत्तियों का विक्रय है। निपटान आमतौर पर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अंत में होता है। कभी कभी ऐसा परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के दौरान होता है। यदि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अंत में परिसंपत्ति का विक्रय किया जाता है, इस मामले में अवशिष्ट के रूप में परिसंपत्ति के विक्रय से हमें प्राप्त राशि को परिसंपत्ति खाते में जमा किया जाना चाहिए और शेष लाभ और हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके लिए रोजनामचा प्रविष्टि होगी। अवशेष के रूप में परिसंपत्ति के विक्रय के लिए बैंक खाता, नाम, परिसंपत्ति खाते से। लाभ और हानि खाते में स्थानांतरण शेष की प्रविष्टि। यदि लाभ होता है, परिसंपत्ति खाता, नाम, लाभ और हानि खाते से। यदि हानि होती है, लाभ और हानि खाता, नाम, परिसंपत्ति खाते से। ह्रास के लिए प्रावधान के मामले में खाता बनाया गया है तो हम निम्नलिखित प्रविष्टियां करने से पहले निम्नलिखित प्रविष्टियां करेंगे। ह्रास खाते के लिए प्रावधान, नाम, परिसंपत्ति खाते से। उदाहरण के लिए पी के लिमिटेड ने 3,00,000 रुपए में एक वाहन क्रय किया। 4 वर्षों के बाद इसका अवशिष्ट मूल्य 30,000 होने का अनुमान लगाया गया। सीधी रेखा विधि के आधार पर प्रतिवर्ष लगाए जाने वाले ह्रास की मात्रा ज्ञात कीजिए और ये मानते हुए कि इसे अंत में 40,000 रुपए में बेचा गया, तो दिखाएं कि 4 वर्षों के लिए कितनी वाहन राशि दिखाई देगी। जब ए ह्रास परिसंपत्ति खाते पर लगाया जाता है, बी ह्रास खाते के लिए प्रावधान बनाए रखा जाता है। परिसंपत्ति निपटान खाते का उपयोग। परिसंपत्ति निपटान खाता। परिसंपत्ति निपटान खाते का उद्देश्य एक ही खाता शीर्ष के अंतर्गत परिसंपत्ति की बिक्री से संबंधित सभी लेन देनों का पूर्ण एवं स्पष्ट विवरण देना है। व्यवसाय द्वारा परिसंपत्ति का एक हिस्सा बेचे जाने और ह्रास खाते का प्रावधान होने पर आमतौर पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत एक नया खाता
परिसंपत्ति निपटान खाता तैयार किया जाता है। परिसंपत्ति निपटान खाते के लिए की जाने वाली रोजनामचा प्रविष्टियां इस प्रकार होंगी। परिसंपत्ति निपटान खाता, नाम परिसंपत्ति खाते से। हिराज खाता के लिए प्रावधान, नाम परिसंपत्ति निपटान खाता से। बैंक खाता, नाम परिसंपत्ति निपटान खाते से। परिसंपत्ति निपटान खाता नाम और जमा शेष दिखा सकता है। नाम शेष निपटान के कारण हानि को इंगित करता है, जबकि जमा शेष निपटान के कारण लाभ दर्शाता है। प्रविष्टियां निम्नानुसार की जाएंगी। हानि की स्थिति में लाभ और हानि खाता, नाम परिसंपत्ति निपटान खाते से। लाभ की स्थिति में परिसंपत्ति निपटान खाता, नाम लाभ और हानि खाते से। वर्तमान परिसंपत्तियों में किसी भी बढ़ोतरी या विस्तार का प्रभाव। व्यापार में हम जिस भी परिसंपत्ति का उपयोग करते हैं उसमें व्यवसाय के परिचालन के लिए उपयोगी बनाने के लिए बढ़ोतरी या विस्तार की आवश्यकता हो सकती है। परिसंपत्तियों पर खर्च की गई ऐसी राशि को परिसंपत्ति के जीवन काल के दौरान ह्रास के रूप में समाप्त किया जाता है। AS 6 उल्लेख करता है कि किसी भी परिसंपत्ति या विस्तार का परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन काल के दौरान ह्रास किया जाना चाहिए। वर्तमान परिसंपत्ति पर लागू दर पर ह्रास प्रदान किया जाना चाहिए। जहां परिसंपत्तियों में बढ़ोतरी या विस्तार को एक अलग इकाई के रूप में देखा जाता है और यहां तक कि जिसका संपत्तियों के निपटान के बाद भी उपयोग किया जा सकता है। प्रावधान और संचय। प्रावधान क्या है? प्रावधान वो व्यवस्था है जिसे वर्तमान लेखांकन अवधि के व्यय और हानियों के लिए किया जाता है, लेकिन जिसकी सटीक राशि ज्ञात नहीं होती है क्योंकि उन्हें अभी तक खर्च नहीं किया गया होता है। प्रावधान के उदाहरण हैं: हिराज के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, कराधान के लिए प्रावधान, देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान, नवीनीकरण और मरम्मत के लिए प्रावधान। व्यय के लिए प्रावधान की राशि व्यवसाय के आगम के विरुद्ध भार योग्य होती है। प्रावधान आगम और व्यय का उचित मिलान और वास्तविक लाभ की गणना सुनिश्चित करते हैं। तुलन पत्र में प्रावधान की राशि इस प्रकार दर्शाई जानी चाहिए: परिसंपत्ति पक्ष पर वर्तमान परिसंपत्तियों से कटौती के रूप में, तुलन पत्र के देयता पक्ष पर देयताओं के साथ। प्रावधानों के लिए लेखांकन व्यवहार। सभी प्रकार के प्रावधानों का लेखांकन व्यवहार समान है। आइए हम संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान का एक उदाहरण लें। तीन प्रकार के देनदार होते हैं: अच्छे देनदार, वे देनदार जिनसे राशि निश्चित रूप से आती है; बुरे देनदार, वे देनदार जहां से वसूली की राशि असंभव होती है; संदिग्ध देनदार, वे देनदार जो भुगतान कर सकते हैं लेकिन व्यवसायिक लोग निश्चित नहीं होते हैं कि वे कब और कितना भुगतान करेंगे। इससे संबंधित रोजनामचा प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी: लाभ और हानि खाता, नाम संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान। संचय। संचय क्या है?
जब लाभ का एक हिस्सा अलग रखा और व्यवसायी की भविष्य की जरूरतों और भविष्य की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है। संचय व्यवसायी की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए लाभ का विनियोग है। जब हम भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए लाभ से संचय बनाए रखते हैं, तो स्वामियों को मुनाफे के वितरण के लिए उपलब्ध राशि कम हो जाती है। संचय के उदाहरण हैं सामान्य संचय, कर्मचारी क्षतिपूरक कोष, पूंजी संचय, ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय। संचय और प्रावधान के बीच अंतर। मूलभूत प्रकृति। प्रावधान लाभ पर प्रभार है जबकि संचय नहीं। उद्देश्य। संचय व्यवसाय की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाता है जबकि प्रावधान ज्ञात देयता के व्ययों की पूर्ति करता है। तुलन पत्र में प्रस्तुति। प्रावधान को वर्तमान देयताओं के साथ परिसंपत्ति पक्ष या देयता पक्ष से कटौती के अधीन दिखाया जाता है जबकि संचय पूंजी के बाद देयता पक्ष पर दिखाया जाता है। कर योग्य लाभ पर प्रभाव। प्रावधान कर योग्य लाभ कम करता है जबकि संचय का कर योग्य लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाध्यता का तत्व। व्यवसाय की वास्तविक और सटीक वित्तीय स्थिति प्रकट करने के लिए प्रावधान आवश्यक हैं जबकि संचय का सृजन करना प्रबंधन का निर्णय है। लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग। संचय का लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किए जाने के लिए सृजन किया जाता है जबकि प्रावधान का लाभांश के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। संचय के प्रकार। संचय विभिन्न प्रकार के होते हैं, आइए एक एक करके इन पर चर्चा करें। सामान्य संचय। जब संचय का उद्देश्य निर्दिष्ट नहीं होता है तो इसे सामान्य संचय कहा जाता है। इस संचय का व्यवसाय द्वारा अपने उद्देश्य के लिए स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है। विशिष्ट संचय। कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस संचय का सृजन किया जाता है। इसके उदाहरण हैं लाभांश समानीकरण संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, विनियोग परिवर्तनशील कोष, ऋण शोधन संचय। आयगत संचय। व्यवसाय के सामान्य परिचालन से व्यवसाय के लाभ से ये संचय उत्पन्न किए जाते हैं और लाभांशों के वितरण के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। पूंजीगत संचय। ये संचय पूंजीगत लाभ के माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं जो व्यवसाय के सामान्य परिचालन के कारण नहीं होते हैं, इसलिए लाभांशों के वितरण के लिए ये संचय उपलब्ध नहीं होते हैं। इसका उपयोग हानियों को समाप्त करने के लिए किया जा सकता है। पूंजीगत और आयगत संचय के बीच अंतर। सृजन का स्रोत। आयगत संचय व्यवसाय के सामान्य परिचालन से सृजित किए जाते हैं जबकि पूंजीगत संचय पूंजीगत लाभ से उत्पन्न किया जाता है। उद्देश्य। आयगत संचय व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है जबकि पूंजीगत संचय कानूनी आवश्यकताओं के लिए सृजित किया जाता है। उपयोग। सामान्य संचय का किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जबकि विशिष्ट संचय का विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। संचय का महत्व।
संचय का महत्व। व्यवसाय को हमेशा अज्ञात खर्चों और हानियों से बचने के लिए कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी व्यवसाय के विस्तार या किसी अन्य संबंधित व्यय के लिए स्वामी लाभ के रूप में ज्यादा राशि नहीं निकालता है, ताकि व्यवसाय के विस्तार के लिए इस राशि का उपयोग किया जा सके। जिन उद्देश्यों के लिए व्यवसाय धन अलग रखते हैं वे हैं भविष्य की मांग या कमी को पूरा करना, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाना, दीर्घकालिक देयता का शोधन। गुप्त संचय क्या है? वो संचय जिसे व्यवसाय तुलन पत्र में नहीं प्रदर्शित करता है। इससे प्रकट किए गए लाभ और कर देयता में भी कमी आती है। कम लाभ के समय अधिक लाभ दिखाने के लिए इस प्रकार के संचयों का लाभ के साथ विलय किया जा सकता है। इसे गुप्त संचय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां तक कि बाहरी शेयर धारकों को भी इन संचयों के बारे में पता नहीं होता है। गुप्त संचय सृजन के तरीके। स्टॉक का अवमूल्यन, लाभ और हानि खाते पर पूंजीगत लाभ प्रभारित करना, संदिग्ध ऋणों के लिए अत्यधिक प्रावधान करना, आकस्मिक देयताओं को वास्तविक देयताओं के रूप में दिखाना। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। लेखांकन का मिलान सिद्धांत कहता है कि चालू लेखांकन वर्ष में किए गए खर्चों को उसी वर्ष के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए। हिरास का उपयोग, समय क्षय और घिसावट आदि के कारण समय के साथ परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। हिरास की गणना करते समय विचार किए जाने वाले बिंदु हैं अवक्षयण योग्य परिसंपत्तियों का एक से अधिक लेखांकन अवधि के दौरान उपयोग किया जाना चाहिए, एक निश्चित सीमा तक उपयोगी जीवन काल होना चाहिए, व्यवसाय द्वारा विक्रय के उद्देश्य से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल, रिक्तिकरण का अर्थ पेट्रोल लकड़ी आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में कमी है, व्यवसाय का संचय तुलन पत्र में प्रदर्शित नहीं किया जाता है, इससे प्रकट किए गए लाभ में भी कमी आती है और साथ ही कर देयता में भी कमी आती है। परिशोधन का अर्थ एक समय अवधि के दौरान अमूर्त परिसंपत्ति की लागत को आवंटित करना है। अवशिष्ट मूल्य वो अनुमानित मूल्य है जो व्यवसाय को परिसंपत्ति को उसके अनुमानित उपयोगी जीवन काल के अंत में बेचे जाने या विनिमय करने से मिल सकता है। परिसंपत्ति की अवक्षयण योग्य लागत अवशिष्ट मूल्य घटाने के बाद इसकी लागत है। सीधी रेखा विधि, जैसा कि नाम का तात्पर्य है, मानती है कि परिसंपत्ति का उसके पूरे उपयोगी जीवन काल में समान रूप से उपयोग किया जा रहा है। क्रमागत विधि में परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य पर हिरास की गणना की जाती है। प्रावधान वो व्यवस्था है जो चालू लेखांकन अवधि के व्ययों और हानियों के लिए किया जाता है। जब लाभ का एक हिस्सा अलग रखा जाता है और व्यवसाय की भविष्य की जरूरतों जैसे विकास और भविष्य की आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए बनाए रखा जाता है तो उसे संचय कहा जाता है। संचय का उद्देश्य निर्दिष्ट नहीं होने पर इसे सामान्य संचय कहा जाता है।
संचय व्यवसाय के सामान्य परिचालन से, व्यवसाय के लाभ से उत्पन्न किया जाता है और इसका लाभांशों के वितरण के लिए उपयोग किया जा सकता है।